हम। अच्छा प्लीज आई नो आप में से कुछ बच्चे, ए सौरा कल गायब कहाँ हो गई थी? साउथ सिटी में तो मेरी वाइफ को देखी, कहाँ पे? वो ग्रोसरी ले रही होगी। दो नाम जा नहीं पाएंगे। आप अभी कहाँ घूमने गए थे? चलिए तो आप सम कैसे करेंगे, आप एक काम करिए इधर बैठ जाइए ना, शेयर कर लीजिएगा युग के साथ। बैग हटा ना, क्या शिविलरी नहीं है कोई। वो ऐसी खड़ी हो जाएगी उधर वेटर की तरह। चलिए बात बंद करते हैं, पर ये शिविलरी का चक्कर में हम बहुत गंदा फंसे थे एक बार। तो क्लास 11, 12 में जब हम अपनी वाइफ से पहली बार, वाइफ तो तब नहीं थी, तब पता भी नहीं था, तो जब हम पहली बार मिले थे तो हम बोले थे हम घर छोड़ने जाएंगे। तो हम घर तक छोड़ने गए क्योंकि शिविलरी है भाई। अब वो भी थोड़ी फेमिनिस्ट है, बोलती अब हम भी छोड़ने जाएंगे। चार बार हुआ ऐसा कि वो हमको छोड़ने गए, हम उसको छोड़ने गए, फिर हम लोग डिसाइड किए तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाते हैं। चलिए सो यस्टरडे का सम हम लोग स्टार्ट किए थे पर ख़त्म नहीं कर पाए थे। कुछ लोगों का हो पाया, कुछ लोगों का नहीं हो पाया। वील फिनिश द सम, सम ऑफ यू हैव डन इट, सो द ईजियर एंट्रीज यू गाइज कैन टेल मी एंड वी कैन ओनली डिस्कस द प्रॉब्लमैटिक पार्ट्स। लाइक युग का फॉर फीचर नहीं मैच कर रहा है, एस एफ टू सी आर। चलिए ना हम करते हैं। चिरांशु पहला एंट्री, एक सेकेंड सुनिए ना, जल्दी छोड़ेंगे हम आपको आज, बात मत करिए ठीक है। इफ़ यू गाइज कैन डू थ्री फोर सम्स टुडे, मंडे आज यही करेंगे, इसको फिनिश करेंगे अच्छे से और फिर मंडे से परचेज कंसिडरेशन स्टार्ट कर देंगे। ओ कल भी तो क्लास है, कल कंपनी का एक एक्स्ट्रा क्लास देंगे। अच्छा ठीक है, कल ऑफ, मंडे को ही मिलते हैं सीधा। चलिए बैंक, बैंक कल मेरी बीवी का जन्मदिन भी है। एवरीबडी इज ओके विद 520। सौरा आपका ये सम शायद नहीं हुआ है एंड भव्या का भी नहीं हुआ है, पर एक बार बस हम फास्ट फास्ट खत्म कर दे रहे हैं। नेक्स्ट सम से आप कंटिन्यू करना, अभी सिर्फ सुन लो, ये भी मत बनाओ। नेक्स्ट क्या है सर? 520, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, नो टू बैंक। सारा व्हाट आर द वैल्यूज? वो बोलेगी देखते हमको चेक करना है वो की है कि नहीं। हाँ तो इसमें गुस्सा होने का बात क्या है? 2 लाख, 2 लाख। वेर इज वंशिका, एनी आइडिया? वो तो आप इंस्टाग्राम खोल के बैठे होंगे अभी, डाउट भी इंस्टाग्राम में पूछेगी है भैया, व्हाई आई डिडंट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट शेयर अलॉटमेंट, कितना कितना कितना? 422। सुहानी बन रहा है अब? ऋषित आज भी नहीं आया, आई होप खत्म कर ले। नेक्स्ट कॉल इन अरियर, कितना कितना कितना? 280 है। चलिए बात कर लेते हैं, बच्ची का कॉल इन अरियर थोड़ा अलग आया, क्या डिफॉल्टर है अलॉटमेंट का? एक की दो जन? दो जन डिफॉल्टर है। कौन कौन डिफॉल्टर है सुहानी? एक्स के कितने शेयर है और अप्लाइड, और अलॉटमेंट में बनता कितना है मैम इसका? ए मत करो ना प्लीज, बात नहीं, बात आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा। फिर कितना अलॉटमेंट में देने का बात है इसको? 4 रुपया पर 300 शेयर पे ये एक्स्ट्रा दे चुका है एप्लीकेशन मनी।
एप्लीकेशन मनी कितना है? तो 900 इंटू 4 3600 होता है, जिसमें से 1200 रुपया जो है आपको मिल चुका है। इसका कॉल इन एरिया 2400 आया था, दूसरे वाले का 800 इंटू कितना बनता है इसका अलॉटमेंट में? 4 रुपया, 3200 रुपया बनता, लेकिन 200 शेयर पे ये 4 रुपया दे चुका है, तो 800 रुपया दे चुका है। सो 2400 इसका भी कॉल इन एरियर है। आपका कैलकुलेशन एरर है कि कॉन्सेप्चुअल एरर है? बैंक में कितना जाएगा? आई एम सेइंग दैट वायरजेट इज कंटेजियस, मे बी आई हैव स्टार्टेड इट, वहीं से आपका हुआ उसका हुआ। ओके, शेयर फर्स्ट कॉल, नो प्रीमियम। एक सेकेंड, सुहानी हमको बोलो, भव्य हमको बोलो, कुछ तो आप उसको बोले ना, वो हमको बोलो। अप्लाइड अलॉटेड का रेशियो दिया हुआ था सवाल में, देखिए प्रोराटा कैटेगरी क्या है। इसका रिसीविंग एंट्री क्या है सारा? एक्सक्यूज मी, एक्सेलेंट। चलेगा, एक्स का फॉर फीचर एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं मिला था, सबका राइट हुआ ये? हाँ हाँ, बैंक में 9 ईयर है, ठीक। ये अभी मत करो भव्य, समझ में नहीं आएगा। अभी आप एक स्किप कर दो। हाँ, वाई का फॉर फीचर एंट्री बताइए। बस ये बताइए, इसके 800 शेयर हैं और इसके 900 शेयर हैं, रीशू कितने हो रहे हैं सारे? 1400 कितने में हो रहे हैं? नहीं वो ठीक है, कितने में हो रहे हैं? 1 रुपया डिस्काउंट है, तो बैंक 14 इंटू 9, SF 1 इंटू 1400। एक्सीलेंट, अब किसके पूरे हैं, किसके पूरे रीशू हो रहे हैं? तो मैम 2400 रुपये आपको मिले थे, आपको यूनिटरी मेथड करना है कि नहीं करना है? हाँ, हमको वही सुनना है। 2400 इज फॉर हाउ मेनी शेयर्स? पर शेयर 3 रुपीज, 1 रुपया डिस्काउंट, एक्सीलेंट, 2 इंटू 800 1600। यहाँ पे मैम मिला था आपको 3900 शेयर के लिए, पर शेयर 2.33 इंटू 600, कितना आ रहा है? 2.33 इंटू 600 करके बताओ ना एक बार। 1398, अगर कैसे अभी नंबर आए ना, इसको राउंड ऑफ कर दो, 1400 कर दो। क्यों आ रहा है 1398 पता है ना? क्योंकि आप 33 पे रुक गए। अगर आप 33333333 कैलकुलेटर पे डालते और मल्टीप्लाई करते इंटू 6, तो एग्जैक्ट 1400 कर देना। और एग्जाम में हम आपको गारंटी कर रहे हैं सर, कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा। 3000 है, अभी सीख लेना, तब दिक्कत आएगा। जो प्रीमियम नहीं मिला, ये कौन सा प्रीमियम नहीं दिया था? कितना शेयर पे? 2 रुपया, और ये 800 इंटू 2। चलिए अभी पहले गोपाल करेंगे कि कोई पहले दूसरा सम करेंगे? गोपाल करेंगे।
तुमको व्हाट्सएप पे बता रही है वो, चलिए ये वाला सम अगर आप राइट कर दिए तो अभी हम जाके नीचे क्लास के बीच में जाके चॉकलेट लाके देंगे आप, मतलब आई विल नॉट वेट फॉर द क्लास टू गेट ओवर एंड देन गिव यू अ चॉकलेट, आई विल गो डाउन एंड आई विल गेट अ चॉकलेट एंड गिव इट टू यू, आई विल गिव यू 10 minutes फॉर दिस अटेम्प्ट, 10 minutes फॉर द फर्स्ट टू एंट्रीज, ओनली फॉर द फर्स्ट टू एंट्रीज, शेयर ऐप टू नेक्स्ट एंट्री, पहला दो एंट्री का 10 मिनट है और ये राइट होने पर आपको मार्क्स, मतलब सबको, ऐसा नहीं जो पहले करेगा, सबको चॉकलेट मिलेगा, सबको, और 100 रुपये वाला 150 रुपये वाला देंगे हम, पर एक ही रिक्वेस्ट है, विदिशा वारिजा का वो गैंग और टीम नहीं बनेगा, आपका भी नहीं, ये आपका अटेम्प्ट होना चाहिए प्योरली ऑन योर बेसिस। सौरभ शुड आई गिव यू योर फोन अभी? नहीं, 32% चार्ज हुआ है जस्ट फॉर दिस सम, वंस यू आर डन विद 10 मिनट्स यू गिव इट बैक टू मी, आई विल पुट इट ऑन चार्ज अगेन बिकॉज आई वॉन्ट यू टू डू दिस ऑन योर ओन। वंशिका ऑफर इज वैलिड फॉर यू ऑल्सो, नहीं वो आएगी क्लास, आदित्य है क्लास में, हाँ आदित्य मुंबई भिजवाएंगे हम चॉकलेट पक्का, जस्ट द फर्स्ट टू एंट्रीज, हाँ जस्ट द फर्स्ट टू एंट्रीज, उसके लिए चॉकलेट है, फर्स्ट तो बकवास है, दोनों हो गया, कैन आई सी द एंट्री इफ यू डोंट माइंड, गलत है मैम, फिर ट्राई करिए, गोपाल पे ध्यान दीजिए, खांसी जा ही नहीं रहा,
नहीं गलत है सर, गलत है। हम ही खाएंगे फिर। अच्छा हाफ चॉकलेट पे आ जाते हैं, मैं आपको हिंट देता हूं। नहीं 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 रुकिए, चाय कर लीजिए। वत्सल आपका तो अटेम्प्ट हुआ है, आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? विदिशा आप भी सुनना, चीटिंग है। सिर्फ सुनना है। नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, 5 मिनट बस। ऑलमोस्ट सर, मैं आपको सेंड कर दूँ? हाँ प्लीज। सुनेंगे 2 मिनट क्या बोल रहा हूं। गलत है। सुनेंगे क्या? 3 मिनट ही बचे, 2 मिनट बचा है। भेजा है आदित्य शायद, नहीं आया आदित्य यार फोटो? हाँ सर एक मिनट। टू बैंक का फिगर कितना है? 20,800 किसका है दिखाओ तो, अब कैसे हो? एक बार सुनेंगे उसके बाद मैं बोर्ड पे भी करूंगा पक्का से, सुनिए मेरा बात। आपको याद है वंशिका ने क्लास 11 में मेरे को साल भर की फीस एक साथ दी थी? अब सोचिए वो अप्लाई की थी 2 सब्जेक्ट के लिए, तो वो मेरे को 2,000 रुपया दी थी 12 महीना के लिए। नहीं नहीं वो तो फर्स्ट एंट्री, हम सेकंड का बात कर रहे हैं। एक बार मेरा बात सुन लीजिए ना, वंशिका हमको 12 महीना का फीस एक साथ दी थी, 24,000 रुपया एक बार में दे दी थी मैम, पर हम उसको बोले हम उसको एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। एक बात बताइए, प्रोराटा का संभावना है इधर? वंशिका के साथ तो प्रोराटा होना संभव ही नहीं है। एक इंसान जो 12 महीना का फीस एक बार में दे देगा, आप एक्सेस मनी एडजस्ट कैसे करोगे? आपको तो रिफंड ही करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, चलिए सवाल बताएं। एक छोटा सा ट्रिक है बस, छोटा सा ट्रिक। वारिजा व्हाट्स योर एंट्रीज टू बैंक एंड टू शेयर अलॉटमेंट? पता नहीं, हमको याद नहीं है। चलिए कोशिश करते हैं। हाँ लगभग राइट, बैलेंसिंग फिगर नहीं चलेगा माहित, एक्सप्लेन करना होगा। शेयर
शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे, फिर उसको 800 रिफंड करेंगे बिकॉज 100 शेयर का वो कॉल एडवांस भी एक्स्ट्रा दिया, तो फिर 800 से माइनस। चलिए देखते हैं, राइट हुआ तो हम आपको पक्का चॉकलेट देंगे, पर माहित इज वेरी क्लोज, माहित इज एक्सट्रीमली क्लोज टू द आंसर। चलिए यू टेल मी द सम फर्स्ट। 50,000 इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपए का एक शेयर है, लग कंपनी का औकात कितना है? 50,000। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे 3 है बोल रही है, फर्स्ट कॉल पे 3, सॉरी यस, और फाइनल कॉल पे 3, यही है। कितने एप्लीकेंट्स आए? 70,000 शेयर्स आए, उसमें गोपू भी है, गोपाल भी है, ठीक है। 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड आर, ये तो रिजेक्ट ही हो गए भाई। नील, एंड द एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेशन ऑन पूरा डाटा बेसिस, मतलब 60 को 50, हां 50, एंड एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज ट्रांसफर्ड टू सम ह्यूमन अलॉटमेंट एंड कॉल्स अटेंडेड, अलॉटमेंट में भी जाएगा, कॉल में भी जाएगा। गोपाल हू अप्लाइड, यही सबसे घटिया आदमी है, हर क्लास 12 के बच्चे का दर्द यही है, गोपाल। हाँ, क्या हुआ गोपाल का? Who applied for 600 shares, मिला कितना उसको? 500। नाउ बिफोर आई टेल यू द आंसर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट प्रोराटा, ही हैज गिवन 600 × 10, यू कैनॉट से आई विल एडजस्ट इट विद अलॉटमेंट, अबे ही इज गिवन इज अलॉटमेंट, you cannot say I will adjust with first call, he is given his first call, you cannot say that Gopal belongs to the pro rata category, Gopal ke sath to pro rata hua hi nahi hai, Gopal has been purely rejected, his 100 shares into 10, not 2, not 8, into 10, 100 into 10 has been completely rejected, 500 into 2 rupees he has paid for application, 500 into 2 rupees he has paid for allotment, and 500 into 6 rupees is his calls in advance. Please understand this, the 10 rupee that he has paid on 600 shares has not been made pro rata. He, you cannot say 600 paid 6000, dena usko 5000 tha to 1000 next installment mein, kaun sa installment, सब तो दे चुका है, अलॉटमेंट इज नॉट अ कॉल, अलॉटमेंट वी डोंट राइट कॉल्स इन एडवांस, वी राइट टू शेयर अलॉटमेंट ओनली, जितना भी प्रोराटा सम बनाए हैं जब एप्लीकेशन में अलॉटमेंट में ट्रांसफर करते हैं तो टू शेयर अलॉटमेंट लिखते हैं, टू कॉल इन एडवांस नहीं लिखते, कॉल इन एडवांस स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट कॉल, रिमेंबर। सो वारिजा, यहां पे पहला बात ये तो रियलाइज करना होगा दैट गोपाल के साथ कुछ प्रोराटा हुआ ही नहीं है, 600 शेयर्स पे सुहानी आके बोली भैया हमको 10 रुपया आप अभी ले लो, नहीं ये नहीं बोल रही कि 600 शेयर पे 2 रुपया होगा तो 100 शेयर आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना, बोल रही 600 का 600 10 रुपया ले लो अभी, हम बोले हम नहीं ले सकते यार, हम तुमको 500 ही तो दे सकता है, तो अच्छा ठीक है मेरा 100 शेयर पूरा पैसा वापस करो, अंडरस्टैंड एज फास्ट एज पॉसिबल दैट दिस गाय फॉर 100 शेयर्स इज नॉट प्रोराटा, it is completely rejected and refunded, acceptable, yahan tak okay hai, doable, chaliye aage kya hua, I think Mahit has the answer now, 90,430,600, almost right, 100-200 rupees ka fark hai bas, ya wo bhi right ho sakta hai humko agar yaad nahi ho, Gopal who applied for 600 shares paid his entire share money with application, Ghosh who applied for 6000 shares failed to pay the allotment money, अच्छा ये तो नेक्स्ट टू बैंक 21 होगा, हाँ 21, हाँ टू बैंक 21 होगा, चलिए आगे। हाँ, तो ये घोष का आ गया फिर, घोष तो अलॉटमेंट में परेशान करेगा ना, हाँ। अभी हमको फर्स्ट टू ही तो चाहिए था, उसके बाद क्या होता है कुछ है और, तो अभी फर्स्ट टू का जितना बन सकता है उतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है,
आप बताइए सौरा अपने बैंक में कितना लिखा है सोच समझ के। कोई बात नहीं मैम, व्हाट इज योर नंबर, इज देयर अ नंबर? नहीं नहीं, दिस एंट्री, फर्स्ट एंट्री 146, आप लोग का 144800, सारा कुछ आया है। हम आपको एक ट्रिक बताएं, ये सम इतना प्यार से होगा ना आपका, आपको लगेगा भैया यार इतना छोटा सा बात था। आप एक काम करिए, गोपाल को ना इस कैटेगरी से हटा दीजिए, ट्रीटी मत करिए उसको, वो है ही नहीं 60-50, वो ना एक्चुअली 500 मांगा 500 मिला, 100 शेयर रिफंड हुआ, 500 के बदले 500 का ओनर बना, पूरा 10 रुपया दे दिया, 100 रुपये का कुछ प्रोराटा, 100 शेयर का कुछ प्रोराटा नहीं हुआ, पूरा 10 रुपया लिए और बोले बेटा ले और जा, मेरे पास तेरे पास कुछ एडजस्ट करने के लिए कुछ नहीं है। तो विदिशा हेल्प मी आउट हियर, इसमें से अगर गोपाल के अप्लाइड को हटा दें तो व्हाट वुड बी द प्रोराटा लेफ्ट अप्लाइड? 60 से अप्लाइड हटाइए, 50 से अलॉटेड हटाइए, मतलब अप्लाइड से गोपाल का अप्लाइड हटा दो, मतलब रिमूव गोपाल फ्रॉम 60 एंड 50। 600 है, 6000 नहीं है, दीज आर दी पीपल अपार्ट फ्रॉम गोपाल, यस और नो? एंड दीज आर द पीपल अपार्ट फ्रॉम गोपाल अलॉटेड, ये है आपका सच्चा प्रोराटा कैटेगरी। अब देखिए क्या मस्त बनेगा सम, 2 सेकेंड मैम, उसको 500 शेयर मिले थे, वो 600 अप्लाई किया था, तो अप्लाइड से अप्लाइड को माइनस किया, अलॉटेड को अलॉटेड से। इस सम का ट्रिक एक ही है, एक ही है, अभी देखिए आप खुद से ही आंसर दे देंगे, गोपाल को हटा के करना है। अब मेरा सवाल सारा के लिए, सारा ये एप्लीकेंट्स हैं, इन्होंने क्या दिया है एप्लीकेशन, कितना के? तो मल्टीप्लाई करके दो, 59,400 × 2 11, और गोपाल भाई 600 शेयर पे क्या दिया है? 10 रुपया। गोपाल टोटल 600 शेयर पे 2 रुपया दिया है कि आप अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सब दे दिया, सब दे दिया, तो 6000 रुपया गोपाल से आया है और 59,400 × 2 बाकियों से आया है, तो टोटल कितना आया? और 10,000 जो रिजेक्ट हुए उनका 2 रुपया आया, बोल सकते हैं 69,400 × 2 आया है और 600 × 10 आया है, एक्सेप्टेबल? 144,800 इज करेक्ट, सॉरी ये भी तो आया था जिनको रिजेक्ट किया, 600 × 10 एक बार चेक करके देखिए आता है क्या, तो बैंक में उतना आएगा, बैंक में उतना आएगा। चिरांशु के पास रेडी है शायद, एक बार लिख लेते हैं ना सर, आप चेक कर लेना, राइट हुआ तो हम भरोसा करके दे देंगे चॉकलेट आपको। 144 ये आया कैसे वारिजा, कैन यू एक्सप्लेन? एक सेकेंड बिफोर यू आंसर, देयर इज एन ऑल्टरनेटिव ओपिनियन विच इज ऑल्सो करेक्ट, 70,000 शेयर्स पर 2 रुपये आया, 600 शेयर पे 8 रुपये और आया। फिर से सुनिए अंकुश, मैं तो अलग कर दिया, कुछ लोग ये बोलेंगे गोपाल उस 70 में है, तो 70,000 लोगों ने 2 रुपये तो पूरे पूरे दिए और वो बाकी 600 शेयर पे सनकी ने 8 भी दे दिए, 10 नहीं एक्स्ट्रा 8 दे दिए, गोपाल ने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन में 10 दिए कि 8 दिए, तो 600 × 8 4800 और 70,000 × 2 यहां। भैया आपका मेथड, भैया आपके मेथड का फायदा क्या है? बहुत एडवांटेज है, जब भी कोई ऐसा हो कि एप्लीकेशन में पूरा पैसा दे, आप समझ जाओ कि ये प्रोराटा नहीं है। प्रोराटा का मतलब है कि वो एप्लीकेशन एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स पे देता है, तो एप्लीकेशन का मनी अलॉटमेंट में चला जाता है कि वो अलॉटमेंट बाद में दे देगा। ये आदमी प्रोराटा कैसे करे अगर इसने अपनी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के सारे पैसे एप्लीकेशन में ही दे दिए? हम कैसे एडजस्ट करें अगला इंस्टॉलमेंट में? हम वंशिका का 2 मंथ का फीस कैसे एडजस्ट करें अगर मेरे पास मंथ ही नहीं बचा है?
हमको तो रिफंड ही करना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं? तो ये एंट्री ओके है। अब चलिए दूसरा एंट्री, सेकंड में आता है ना, नहीं नहीं मैम, ये तो प्रो राटा हो रहा है ना अभी, तो जब प्रो राटा करते हैं, टू शेयर इन अलॉटमेंट करते हैं, आई नो आपके मन में क्या आया कि भैया बैंक में कॉल इन एडवांस आता है सर, लेकिन आप एक बात बताओ, आपको पता थोड़ी ना था कि कितने एप्लीकेंट्स आ रहे हैं। आप फिर आप एक बात बताओ, आप इस एंट्री में टू शेयर अलॉटमेंट क्यों नहीं करते? जब एक्सेस मनी रिसीव्ड इन एप्लीकेशन आता है, आप याद करो सेकेंड एंट्री में आपने किया है बच्चन, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर थिंकिंग, अरे भैया कॉल इन एडवांस तो रिसीविंग एंट्री में आता है, पर एप्लीकेशन तो थोड़ा अलग है ही अपने वे में, तो आपको हमेशा एडजस्टिंग एंट्री में ही करना पड़ेगा, ठीक। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 144,800, इस पर अब लड़ाई नहीं है, सारा मैं और आप बात करेंगे और एक एक नंबर को ईजिली यहाँ से निकालेंगे। कारण बहुत सिंपल सा है, क्योंकि हमने पहले ही अलग कर दिया। औकात कितने शेयर्स की है? 50,000। तो मैम नॉर्मल रिफंड कितने हैं? नॉर्मल पूरे रिफंड 10,000 इंटू 2, 20,000 तो वापस जा रहे ही जा रहे हैं, पर क्या गोपाल के कुछ पैसे वापस जाएंगे? कितने? 100 into 10, रिजेक्ट है, प्रोराटा नहीं है। 100 into 10 रिजेक्ट एंड रिफंड है, प्रोराटा नहीं है। 600 शेयर पे मांगा, 10 रुपया दे दिया, हम बोले हम 500 ही दे पाएंगे, तो क्या करें? 100 शेयर का 10 रुपया एडजस्ट कर दो, किससे भाई? कोई इंस्टॉलमेंट ही नहीं छोड़ा है वो कि हम बोले ठीक है इसमें एडजस्ट कर देते हैं, पूरा तो पैसा दे दिया है, हम क्यों एडजस्ट करते हैं कि भाई अगला वाला जो है ना तेरा ड्यू, वो तुम मत देना, उसी को प्रोराटा बोलते हैं। अगला वाला भी तो दे दिया है, उसके बाद वाला भी दे दिया है, उसके बाद वाला भी दे दिया है, तो हम एडजस्ट कैसे करें? इसका तो मतलब बनता ही नहीं है ये पैसा, हमको तो वापिस करना पड़ेगा। तो कितना वापिस करना पड़ेगा? सारा बोल रही कि भैया 21,000 रुपया। ये किस किस का आया था? भौमिक आप सर, ये कितने शेयर हुए एक्स्ट्रा विदाउट गोपाल? ले लेना कैलकुलेटर, ले ले यार, इस सब में लग सकता है, यही है ना प्रोराटा कैटेगरी। गोपाल तो प्रोराटा नहीं है, इसीलिए तो अलग करवाए आपसे, यहां से 500 हटवाए, यहां से 600 हटवाए, सारा पूछी है 49,500 कैसे आया, हम बोले गोपाल के पास 500 शेयर थे, अप्लाई वो 60,000 का किया था, तो बिना गोपाल के लोगों का प्रोराटा कितना हुआ था? कितना मांगने पे कितना मिला था भैया? 59,400 मांगने पे 49,500 मिला था, 9,900 शेयर पे प्रोराटा हुआ, तो उन्होंने कितने एक्स्ट्रा दे दिया? 9,900 into 2, अभी तक तो यही नंबर है। अब ये कौन समझाएगा 500 इंटू 2 गोपाल का? नहीं नहीं, ये 500 इंटू 2 गोपाल का क्यों इसमें ऐड होगा? और गोपाल अपना अलॉटमेंट दिया है भैया, आप इस 19,800 में गोपाल को लिए नहीं लिए थे, पर क्या गोपाल ने एप्लीकेशन में अलॉटमेंट दिया था? सारा लिटिल कंफ्यूज्ड। फर्स्ट ये पार्ट इज ओके, 19,800 इज नॉर्मल प्रोराटा विदाउट गोपाल। व्हाट डिड गोपाल डू टेल मी? ही अप्लाइड फॉर हाउ मच एंड ही पेड व्हाट ऑल? व्हाट ऑल? एन एप्लीकेशन, ही पेड अलॉटमेंट एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, ऑन हाउ मेनी शेयर्स? हाउ मेनी शेयर्स? 600। हाउ मच डिड यू गिव हिम बैक? 100। सो हाउ मच मनी आर यू कीपिंग हिम? 500। जिसमें से 2 रुपया किस में गया था? एप्लीकेशन में। 2 रुपीज इज एप्लीकेशन ना, तो गोपाल एप्लीकेशन तो दिया ही था, वो एप्लीकेशन, वो तो एप्लीकेशन में एडजस्ट हो गया, देना भी था उसको 500 शेयर का 2 रुपया। अगर हम उसको शेयर देंगे तो एप्लीकेशन तो देना होगा ना उसको, पर जो 500 into 8 रुपया दिया है उसमें अलॉटमेंट का कितना है, फर्स्ट कॉल का कितना और फाइनल कॉल का कितना, तो वो भी तो हम लोग अलॉटमेंट में डालेंगे ना।
पर हैज ही नॉट गिवन इट एज एन एडवांस, ही इज नॉट गोइंग. यही बहुत अच्छा बात बोली हो भैया, गोपाल का तो प्रो राटा ही नहीं है, पर क्या गोपाल का 500 शेयर पे 2 रुपया एप्लीकेशन का, 2 रुपया अलॉटमेंट का, 3 रुपया फर्स्ट कॉल का, 3 रुपया फाइनल कॉल का आपको ऑलरेडी मिल चुका है कि नहीं? मिल चुका है ना. तो बिना प्रोराटा के आदमी कॉल इन एडवांस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अब अलॉटमेंट को कॉल बोल नहीं सकते हैं. जब भी आपको कोई अलॉटमेंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है, आप क्या लिखें उसको? टू कॉल इन एडवांस लिखें कि टू शेयर अलॉटमेंट लिखें? अगर कोई एप्लीकेशन में अलॉटमेंट का पैसा दे दे, बाढ़ में जाए प्रोराटा. अगर कोई एप्लीकेशन में अलॉटमेंट का पैसा दे देता है तो आप सेकेंड एंट्री में क्या लिखें आज तक? टू शेयर अलॉटमेंट. तो ये तो भैया नॉन गोपाल कैटेगरी है, और ये 500 × 2 क्या कैटेगरी है? गोपाल कैटेगरी है. अब बच्चा बोलता है 600 × 2 क्यों नहीं? भाई हम ना 100 × 10 वापिस दे चुके हैं, मेरे पास है ही नहीं वो पैसा, मैं रिफंड कर चुका हूं. हाँ, बस ये बात समझना बहुत जरूरी है कि 500 शेयर पे 10 रुपया जेब में लेके बैठा हूं और अभी तक कोई कॉल नहीं किया हूं, ना अलॉटमेंट मांगा हूं, ना फर्स्ट कॉल मांगा हूं, ना फाइनल कॉल मांगा हूं, कुछ नहीं मांगा हूं, खाली एप्लीकेशन मांगा था और वो एप्लीकेशन के साथ 8 रुपया और दे दिया. रिसीव नहीं करेंगे आप उसको, मिल गया ना. आप गोपाल से कुछ नहीं रिसीव करेंगे, पर अभी जो आपको एक्स्ट्रा मिला, एवरी डेबिट एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट, आपके बैंक में आपने 500 × 10 रुपए रिसीव किए, क्रेडिट कुछ तो करना पड़ेगा. सारा बोल रही है सीधा अलॉटमेंट वाली एंट्री में क्यों नहीं एडजस्ट कर लेते कि दे दिया गोपाल, पर मिला आपको अलॉटमेंट एंट्री में कि एप्लीकेशन एंट्री में? तो एप्लीकेशन एंट्री में तो एक हायर वैल्यू मिला आपको, बैंक बढ़ाए आप. आप बोले 600 × 10, जिसमें से 100 × 10 आपने वापस किया और आपके पास 500 × 10 पड़ा है, जिसमें से 500 × 8 फ्यूचर का पैसा है. अब बच्चा बोल सकता है, जो आप सुने नहीं, कुछ लोग बोले सीधा 500 × 8 कॉल इन एडवांस का ही नहीं कर देते, क्योंकि अलॉटमेंट कॉल नहीं होता है. हां, 500 × 6 कॉल इन एडवांस होगा. 500 शेयर पर क्या गोपाल भाई ने 6 रुपए पहले ही नहीं दे दिए? तो 2 कॉल इन एडवांस तो होगा ही होगा भाई. चलेगा बच्चल? बोलना. फिर से बोल. गोपाल 600 × 2 दिया एप्लीकेशन का, पर वो तो 600 × 10 दिया. पर वो तो देख, एक बात बता, मैथमेटिकली मैच कर जा रहा है. फंडामेंटली तुम बता, वो 600 × 2 दिया कि 600 × 10 दिया? तुम पता क्या कर रहा है? तेरा अंदर का इतना दिन का, 5 दिन का अंदर का प्रोराटा जग रहा है. 600 × 2 - 500 × 2 तो 100 × 2 = 1000 बनता है, तो 200. पर प्रोराटा हुआ ही नहीं ना सर. यही ट्रिक है सम का, मैच कर जाएगा हम मान गए, पर जब तुम बाकी नंबर्स में जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा. एक बार के लिए मेरे पे भरोसा कर, प्रोराटा नहीं है ये. 100 शेयर रिफंड एंड रिजेक्टेड है. वो नहीं दिया 600 × 2, वो दिया 600 × 10, जिसमें से 100 × 10 हो गया भाई भाई, तो हम तो 1000 रुपये वापिस कर दिए. है ना, मैं जवाब दीजिए, इसको ओनर बनाए हम 500 शेयर का, 10 रुपया ये पूरा 5000 अभी दे चुका है, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया है ये. और जो एक्स्ट्रा दिया हम वापस करके बैठे हैं, जितना देना था वो अभी दे दिया है. 500 देना था, 500 पे दिया है, 100 तो उसको वापस कर चुके हैं हम लोग. तो अलॉटमेंट में हम डाले 500 × 2 और कॉल में डालेंगे हम 500 × 6. अब इस पे हमको वत्सल का बात बढ़िया लगता है, कॉल इन एडवांस शब्द रिसीविंग एंट्री में आना चाहिए मेरे हिसाब से भी. सर आप एकदम सही सोच रहे हैं, तो मेरा आंसर सुनिए. 2 शेयर फर्स्ट कॉल 500 × 3, 2 शेयर फाइनल कॉल 500 × 3. मेरे को लगता है वारेजा ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए ड्यू एंट्री में,
ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, राइट है कॉल्स इन एडवांस, हम आपको बोल रहे हैं राइट है और करना भी है, मैं आपको अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, आई नो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस, एज पर मी व्हाट ही सेड इज फंडामेंटली करेक्ट, अ कॉल्स इन एडवांस शुड ऑलवेज बी रिफ्लेक्टेड इन अ रिसीविंग एंट्री, बैंक वाला एंट्री, बट इन द सोल्यूशन ऑल्सो सीबीएसई सोल्यूशन ऑल्सो दे हैव शोन इट एज टू कॉल इन एडवांस. मैं आपको एक ओपिनियन दे रहा हूं जो फंडामेंटली क्या होना चाहिए, पर जो एग्जाम में करना है वो ये है. कॉल इन एडवांस पे जबरदस्ती कर रहा है, ओपन कॉल इन एडवांस लिखवा दिया है. जैसे अलॉटमेंट में डाले थे वैसे शेयर फर्स्ट कॉल में डालते और शेयर फाइनल कॉल में डालते, मेरे हिसाब से वो बेटर आंसर है, टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल. हाँ आप कुछ भी कर सकते हैं. हाँ अलॉटमेंट में नहीं. अब अलॉटमेंट में कॉल इन एडवांस यूज किए शब्द, फर्स्ट कॉल में डेबिट हो जाएगा सेकंड कॉल में. तो मतलब तीन से होगा 1500 और 1500. जी जी जी. पर आप देखिए दूसरा एंट्री कितना गजब का एंट्री था, लेकिन हाँ ना में जवाब दीजिए भैया ये तभी बनता है. हाँ हाँ कॉल एडवांस कैंसिल करेंगे ना, पर पूरा में नहीं कर दीजिएगा 3000. 1500 फर्स्ट कॉल में डेबिट करिएगा, 1500 फाइनल कॉल में डेबिट. फर्स्ट कॉल में फर्स्ट कॉल कैंसिल करिए, फाइनल कॉल में फाइनल कॉल कैंसिल करिए. हेलो आप समझ रहे हैं क्यों हल्ला है? फॉर यू डू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन? दिस गाय ही इज नॉट प्रोराटा, ही इज प्योर रिजेक्ट एंड रिफंड. ही केम फॉर 600, वी एक्सेप्टेड हिज 500, बट वी गेव अवे हिज 100. He is the perfect example of a person who is rejected for 100 shares and 500 shares mein he is paid calls in advance with allotment. So, मांगते तो पूरा ही 50,000 है, हमको पता नहीं होता है. पर अपने को तो पता नहीं था ना सुहानी, अब हमको प्रोसेस समझाएंगे ना, आप फट से समझ जाएंगे. हम लोग को पता तब चलता है जब बैंक में डिपॉजिट होता है. आज सेंट जेवियर्स कॉलेज में कितने लोग अप्लाई करेंगे वो पता कब चलेगा? जब बैंक में जमा होगा. कोई मूर्ख आदमी क्या किया, 3 सेमेस्टर का पैसा दे दिया, अभी उसका एडमिशन ही नहीं हुआ है. तुम कैसे बोल रहे हो प्रोराटा कर दिया, उसका तो पैसा रिफंड करो. समझ रहे हैं हमको ये क्लियर है? व्हाट आर योर वैल्यूज? 20,800. किसी का आया था यही एग्जैक्ट सब में? नहीं तो आई विल हैव द चॉकलेट देन. कूल. पर आसान नहीं था यार, दैट इज व्हाई आई हैव बीन बिल्डिंग दिस अप फॉर यू कि गोपाल वाला सम आएगा आएगा आएगा. एंड अंकुश ऑल्सो हैड आस्क्ड कि सम भेज दीजिए, बट आई वॉन्टेड टू डिस्कस इट इन क्लास. आपके स्कूल का फेवरेट है सर, LSA का फेवरेट है. फेवरेट मतलब आप जाएंगे स्कूल में और देखिएगा कि इस बारे में बात पक्का होगा. मतलब इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम्स. अब तो वॉक थ्रू है यार, अब तो कुछ भी नहीं है. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. बच्चा बोल रहा है मांगेंगे नहीं गोपाल से. देख भाई मांगेंगे पूरा, डे वन से बोल रहे हैं. अगर फॉरफीट क्यों करेगा गोपाल को फॉरफीट? हाँ अन्याय मत कर, ये तो पूरा पैसा दे दिया है यार. हाँ शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना सारा? 19,800 दुनिया का और 1,000 रुपया गोपाल बाबू का नहीं आएगा. 1,00,000 में से 19,800 दुनिया का और 1,000 रुपया गोपाल बाबू का नहीं आएगा. अच्छा घोष इज नॉट डिफॉल्टिंग इन अलॉटमेंट? हैव यू टेकन आउट कॉल्स इन अरियर? हाउ मच? हाउ हैव यू टेकन दैट आउट मैम?
नहीं नहीं शेयर्स 6000 शेयर्स 6000 इनटू 2 ही हैड गिवन 5000 इनटू 2 ही हैज गिवन 1000 इनटू 2 ही इज ऑलरेडी पेड जबकि ड्यू का कितना है 8000 इज कॉल्स इन अरियर तो देखिए अगर आप सहमत हैं भैया लाख रुपया में 21800 तो नहीं आएगा सॉरी 20800 नहीं आएगा और साथ में 8000 भी नहीं आएगा तो कितना आएगा 79200 कितना कॉल इन अरियर 2 शेयर अलॉटमेंट बोल भाई 2 शेयर 79200 ये सवाल को बिना अलग किए कभी मत करना कभी भी मत करना ऑलवेज रिमूव द पर्सन हु पेज ऑल ऑफ हिज मनी फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ प्रोराटा ऑफ बोथ अप्लाइड एंड अलॉटेड बिकॉज ही इज नॉट प्रोराटा बहुत अच्छा आंसर है बहुत अच्छा आंसर है ये पहली बार लाइफ में कोई बच्चा बोला है बोला 10100 रिफंड 500 को 500 और बाकी का प्रोराटा ब्रिलियंट अंकुश सुने क्या बोले 100 रिफंड में जोड़ दीजिए क्या सुंदर बात बोला गोपाल का बोला 10000 रिफंड नहीं हुआ भैया 10100 रिफंड हुआ 500 के साथ 500 हुआ प्रोराटा नहीं हुआ 59400 के साथ 49500 का प्रोराटा हुआ बहुत अच्छा आंसर है आई अग्री और अच्छा आंसर 10000 इंटू 2 रिजेक्ट 100 इंटू 10 रिजेक्ट आई अग्री सर पर सोच के लिए तो मार्क्स मिलना चाहिए ना कि भैया रिफंड एक्चुअली 10100 शेयर्स है उस 10000 में 2 रुपया रिफंड है और 100 शेयर में 10 रुपया रिफंड है वेरी गुड पर लेकिन देखिए कितना अच्छा दिमाग लगाया कि भैया 10100 रिफंड है साथ साथ है मतलब एक के बाद होगा तो क्या दिक्कत है मतलब एक कॉल बाकी है क्या संग संग कर दे कर दे कर दे रीइशू से मैटर नहीं करता डेट नहीं है अच्छा बढ़िया है नेक्स्ट बताओ फर्स्ट कॉल मांगने का ओ फॉरफीचर हो रहा है अच्छा पहले फॉरफिट रीइशू कैपिटल रिजर्व करके कर सकते हैं आप बेटर है कि कर दीजिए लास्ट में भी कर सकते हैं लास्ट में भी कर सकते हैं बोली अरे दीदी ओ दीदी बात हुआ था नहीं होगा ग्रुपिज्म शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट घोष बाबू का कितना शेयर था 8000 घोष बाबू का कितना शेयर था 5000 शेयर था 5000 इंटू 4 रुपये मांगे आप प्रीमियम तो है ही नहीं इस सब में 6000 इंटू 2 अभी नहीं अभी तो फॉरफिट कर रहे हैं बुझा रहा है 20000 होता है रीइशू कितना में हो रहा है मतलब मतलब 5 रुपया प्रीमियम है ओ 4 पे 4 5000 शेयर सारा रीइशू हो रहा है वही पूछ रहे हैं तो बैंक में बोल रहा है 20 जाएगा भैया आप ही सिखाए थे पेड अप मतलब 2 शेयर कैपिटल 4 पेड अप इसका मतलब क्या है 4 × 5000 4 20000 तो 20000 का शेयर 20000 में रीइशू हुआ कोनो डिस्काउंट नहीं है तो आई हर्ड ओवर हर्ड शी सेइंग पूरा ही गेन है ये मत बोलिए विदिशा गेन नहीं है लॉस नहीं है रीइशू में डिस्काउंट नहीं होने का तात्पर्य यह है कि जो फॉर फ्यूचर में है वो पूरा गेन है
बट ऑन री इशूड शेयर्स. तो यहां तो ऑल ही री इशूड है, तो पूरा ही शेयर फॉर फ्यूचर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा. नहीं, ये है वो जितना फॉरफिट करते हैं. क्या माइनस करते हैं? नहीं, ये तो फॉरफिट किए, 12,000 फॉरफिट करते हैं. अच्छा, नेक्स्ट एंट्री का पूछ रहे हैं. हाँ हाँ, रीइशू हो चुका है तो माइनस नहीं करेंगे. आपने कितने अलॉट किए हैं दुनिया में? दुनिया में 50,000 अलॉट किए हैं, उसमें से 500 चले गए, 5,000 चले गए, तो 45,000 से मांग लीजिएगा पैसा. पर सुनिए ना, 5,000 गए, 5,000 वापिस भी तो आ गए. ये रीइशू नहीं होता तो आप 45,000 से मांगते. इस सम में नहीं हो सकता. नहीं नहीं नहीं, वो बोल रहा है कि भैया अगर ये सब में री इशू अभी नहीं होता, हाँ, तब आप 45,000 शेयर होल्डर से पैसा मांगते. सवाल का डिमांड है कि भाई संग संग री इशू कर, तो संग संग री इशू कर. वो तो कंपनी, मतलब सवाल डिक्टेट करेगा ना यार कि करना क्या है. तो हमको तो लगता है पूरा 50,000 से मांगना चाहिए पैसा. हाँ सर, पूरा एकदम करेक्ट मैम. आप लोग अब तैयार हैं इशू ऑफ शेयर के लिए, अब आप लोग जाके लड़ाई कर सकते हैं. टू शेयर कैपिटल 7 हो गया तो फुल्ली पेड कहाँ लिखा है? 7 पेड अप का मतलब यू क्या कंक्लूड किए? नहीं, पेड अप मतलब क्या था? मालिक बनाया 7 का, मतलब मांगे ही 7 है आप, तो फर्स्ट कॉल बाकी है आपका, सेकेंड कॉल बाकी है आपका. फोर तो है ही, 4 रुपीज 3 रुपीज डिस्काउंट हो जाता. समझ रहे? हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं अभी आप लोग के लिए. जो आप लोग सवाल पूछ रहे हैं वो लास्ट ईयर में, मतलब नवंबर दिसंबर में पूछते हैं बच्चे. द थरोनेस ऑफ इशू ऑफ शेयर दैट यू हैव मतलब रिसीव्ड राइट नाउ, सम ऑफ यू एंड सम ऑफ यू नीड टू कम टू दैट लेवल, बट इट इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल. हम ना हमेशा बोलते हैं द नेक्स्ट बैच इज ऑलवेज स्मार्टर देन द प्रीवियस बैच, एंड आई गेस दैट इज वॉट एवोल्यूशन इज. आई हैव मतलब आई कैन वाउच फॉर इट नाउ कि अगला वाला बैच आप लोग से भी फास्टर पिकअप करेगा. आई गेस दैट इज वॉट यू नो थिंग्स आर. You are going to be smarter than your parents, your kids are going to be smarter than you. So every single year, you know, I get so surprised and so happily surprised that kids are picking up these concepts. Matlab aaram se. Aap believe nahi karenge, mera recording hai, recording ka naam hai. Issue of shares, Gopal Sam. 1.5 ghanta laga humko samjhane mein un log ko, to bhi rote rote ghar gaya kuch bachcha. Aur aap log aaram se kar le rahe hain. Aur wo 2 entry mein 1.5 ghanta. Ye to aaram se kar liye hum log 15 minute mein. चलिए परफेक्ट. शेयर फर्स्ट कॉल अभी करना है कि बाद में करना है? जनरली क्या होता है ना यार, ईयर एंड पे करते हैं जनरली. ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब हाँ कल होगा. 12,000 कर दे यार. फर्स्ट कॉल पूरा 50 से ही मांग रहा हूं सारा. फिर फर्स्ट कॉल 50,000 शेयर होल्डर से ही मांग रहा हूं. नहीं यार, उसका नहीं आएगा ना गोपाल का, थोड़ा कॉल इन एडवांस डेबिट उबिट करना पड़ेगा. हाँ तो कर लेते हैं ना बैंक. हाँ कॉपी पेस्ट करेंगे ना, फीचर है बोर्ड में. 12,000 आज से कोई भी कैलकुलेशन एरर होगा ना, चाहे 12,000 का बैच ही क्यों ना हो, क्लास 11 का बैच क्यों ना हो, आई एम गोइंग टू से 12,000 गलती है. ये सेम एंट्री कॉपी पेस्ट हो गया. सॉरी सर,
हाँ हाँ मांगे तो सवाल में चलेगा, तो हो गया गोपाल, अगला सम पे चलते हैं। अरे कंपनी का नाम क्या है यार? एक्स लिमिटेड। सब में नरेशन है यार। 10 मार्क आपको, 8 मार्क उनको, एक सम का 10 मार्क है। क्या हो गया? बोर्ड क्वेश्चन आईएससी 2013। फोटो खींच के भेजिए। एक सम करके जाना, अभी क्या हो गया, कहीं जाना है? एक सम करके चले जाना। हाँ ये लास्ट सम, कल जा रहे ना स्कूल? ओ परसों, हम चौड़ा होके जाइएगा, इश्यू ऑफ शेयर्स करना है अच्छा से। हम करें कि आप ट्राई करेंगे? बहुत इजी है, बोर्ड क्वेश्चन है, आईएससी 2013 में आया हुआ है। एक तो लेजर भी मांगा है, वो बाद में करेंगे, जब बैलेंस शीट सिखाएंगे तो लेजर्स भी सिखा देंगे। अभी मेरे को इश्यू ऑफ शेयर में और 4 क्लास लगेगा, फिर खत्म हो जाएगा। मतलब कल मंडे से कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले रहे, वही मंडे फ्राइडे वाला चलेगा। मंडे को हम अदर देन कैश कंप्लीट करा देंगे, फ्राइडे को बैलेंस शीट करा देंगे, अगला मंडे को कैश बुक विद लेजर, 3 क्लास में खत्म हो जाएगा इशू ऑफ शेयर। हाँ आईएससी 2013 का सम है, ट्राई ऑन योर ओन। आई थिंक इट्स अ रिलेटिवली इजियर सम, द काइंड ऑफ सम यू हैव डन उसके कंपैरिजन में बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है खास। ये अच्छा, गोपाल का पावर देख रहे हैं, मुंबई कलकत्ता दोनों गॉन, 1 पार्टिसिपेंट लेफ्ट, वो हम है, 1 छिका गई, आदित्य गया। आप लोग के पास ऑप्शन नहीं है ना जाने का। नहीं नहीं नहीं, बात समझ, मेरा ना लाइफ में एक ही विवाह हुआ है, वही फर्स्ट एंड फाइनल है। हाँ नहीं, तो ये जो लिखा है लोग कि बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये एको ही कॉल है, एको ही बीवी है।
वर्कशीट भेजेंगे मतलब थोड़ा टफ टफ समझ रहेगा सर, मतलब आप लोग जो किए उससे कम टफ है सर आंसर शीट। हाँ फिर सोल्यूशन पर लास्ट में देखना सोल्यूशन, देख देख के मैं चौड़ता खाली वो नहीं लिखा रहेगा नहीं पूरा सोल्यूशन रहेगा सारा जनरल रहेगा। चार्ली का बहुत मिस हो दिशा, कौन से एंट्री पे ना पहला एंट्री है वो तो एप्लीकेशन का बैंक एंट्री तो पहला होगा मतलब कौन से एंट्री पे है सेकंड एंट्री सारा विच एंट्री है सेकंड डन है कि हो रहा है बच्चा विच एंट्री आई है फोर्थ एंट्री चिरांचू फोर्थ एंट्री एक सेकंड सॉरी डिस्टर्ब कर रहे हैं। जुलाई महीना में ना पार्टनरशिप वाला इशू ऑफ शेयर वापस स्टार्ट कर, तो अगर आप लोगों को लगे कि यार भूल जा रहे हैं तीन महीना हो गया है तो नॉर्मल क्लास नहीं करिए प्रैक्टिस क्लास में आता है, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं।
आंसर है? छापे हैं? किए? कॉपी दिखाओ। आंसर तो दिया है। है मेरे पास? नंबर क्या था? रिलायबल। 1440। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 5-20-5-20। शेयर एप्लीकेशन 5-20 टू शेयर कैपिटल 2 लाख, दो प्रीमियम 2 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट 80,000, टू बैंक 40,000, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 3 लाख 3 लाख, बैंक 2,17,800, कॉल जनरियर 2,200, टू शेयर अलॉटमेंट 2,20। सुन ले क्या फर्क पड़ता है। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 5,5, बैंक कॉल जनरियर 4,95, 5,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल 5 लाख, एससी 10,000, टू शेयर फॉर फ्यूचर 2,800, तो कॉल जनरियर 7,200, बैंक 7,200, शेयर फॉर फ्यूचर 800, टू शेयर कैपिटल 8,000, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल इज 1440। आप तैयार हैं दीदी? आया 1440 सर। 90,000 टू शेयर कैपिटल रिजर्व करते हैं कि कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व प्रेफरेंस का भी हो सकता है। सर 90,000 हां, एसएफ टू शेयर।